ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां बस्तर पुलिस ने बीते 12 अप्रैल को शहर से लगे आसाना जंगल में अज्ञात युवती का शव बरामद किया था, बाद में जिसकी पहचान बकावंड निवासी कविता नेताम के रूप में की गई थी। 22 वर्षीय कविता के गुमशुदा होने की जानकारी सबसे पहले 8 अप्रैल को मिली थी, जब कविता पेट्रोल पंप से काम कर बकावंड अपने घर वापस नहीं पहुंची। परिवारजनों ने कविता नेताम के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। अब बस्तर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दावा किया है कि कविता नेताम की हत्या उसके ही पति कृष्ण झाली ने की है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी कृष्णा झाली ट्रक ड्राइवर का काम करता है। 8 अप्रैल कविता नेताम पेट्रोल पंप जगदलपुर से काम करके 4:30 बजे अपनी स्कूटी से घर बकावंड के लिए निकली थी। आरोपी पति कृष्ण झाली कविता नेताम का पीछा करते हुए ग्राम आसाना के जंगल में गाड़ी रोककर वाद विवाद करने लगा। इसी दौरान बातचीत का बहाना करके कृष्णा पत्नी कविता को जंगल की ओर ले गया, जहां उसने कविता नेताम के ऊपर चरित्र पर संदेह जाहिर करते हुए मारपीट करने लगा। इस दौरान आरोपी कृष्णा ने कविता का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गुनाह छुपाने के लिए आरोपी ने शव की पहचान ना हो पाए, इसलिए शव को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या के समय आरोपी और मृतिका के फोन की लोकेशन का मिलान भी किया। अब पत्नी के हत्यारे कृष्ण झाली के खिलाफ कोतवाली थाने में हत्या व सबूत मिटाने का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आसना और डोडरेपाल के मध्य जो है जंगल का है, जहां जो है इस मामले की जो मृतिका है कविता नेताम, उसे जो है उसकी पति जो है कृष्णा झाली के द्वारा हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बेसिकली जो है कृष्णा झाली एवं जो मृतिका है कविता नेताम, इनका विवाह वर्ष 2017 में हुआ था और शादी के करीब 1 साल के पश्चात जो है पारिवारिक विवाद से जो है दोनों अलग अलग रहने लगे। और इसमें जो कविता नेताम है वो जगदलपुर स्थित सुभाष पेट्रोल पंप में जो है सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी, और जो इनके हस्बैंड हैं कृष्णा झाली, ये ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। और जो है इसमें जो जो मृतिका है कविता नेताम, यह जो है 8 अप्रैल को जगदलपुर से बकावंड के लिए शाम करीब 4:30 बजे रवाना हुई थी, और इसमें इनके जो हस्बैंड हैं कृष्णा झाली, इनके द्वारा इनका पीछा करते हुए आसना और डोडरेपाल के जो डेंस फॉरेस्ट में जो है रास्ते पर जो है इनकी गाड़ी को रोक कर जो है ज़बरदस्ती वाद विवाद लड़ी झगड़ा किया गया था, और जो है आपस में बात करने की बात कहते हुए जो कृष्णा झाली के द्वारा अपनी पत्नी को जंगल की तरफ ले जाया गया, और चरित्र की संदेह की आशंका को लेकर जो है आपस में काफ़ी वाद विवाद लड़ी झगड़ा किया गया, और चरित्र की शंका पर ही जो है कृष्णा झाली के द्वारा अपनी पत्नी कविता नेताम की गला दबाकर हत्या कर दिया गया था। और इस मामले पर पूर्व में थाना कोतवाली में गुम रिपोर्ट दर्ज किया गया था। उसके पश्चात दिनांक 12 अप्रैल को जो है एक अधजली अवस्था में जो है मृतका की जो लाश बरामद हुई थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि मृतका की जो मृत्यु है गला दबाने से हुई है। और इस मामले पर जो है करीब 7 मोबाइल टावरों के जो डंप लिए गए थे, और करीब 23 से अधिक व्यक्तियों को जो है बकावंड, डोडरेपाल और आसना और जगदलपुर के लोगों से पूछताछ किया गया था, और जो है कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा जो है अंतिम बार इन्हें जो है डेंस फॉरेस्ट में, आसना डेंस फॉरेस्ट में जो है अंतिम बार देखा गया था। मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जो है दोनों का जो लोकेशन है वो सेम पाया गया था। इसी आधार पर जो है जो इनके पति है कृष्णा झाली, उन्हें जो है हिरासत में लेके पूछताछ किया गया, जिन्होंने चरित्र की शंका पर जो है अपनी पत्नी कविता नेताम की हत्या करना बताया, और हत्या के पश्चात साक्ष्य छुपाने की नीयत से जो है मृतिका के शव को पेट्रोल छिड़क के जो है आग लगा दिया गया था। और इसमें जो है आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, और प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें शीघ्र ही जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।